हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को दो कलियों वाली सलवार की स्टिचिंग करके दिखाऊंगी। इस सलवार की कटिंग की वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, आप देख सकते हैं। इस सलवार को सिलना बहुत ही आसान है। सबसे पहले मैंने रोंग और राइट के निशान लगा लिए हैं, जिससे कि यह ब्लैक कलर है, इसमें पहचान होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, जिससे कि कोई गलती न हो। देखिए, मैंने राइट साइड पर निशान लगा लिए हैं। यह पार्ट है और पार्ट के साथ ही दो कलियां तो जुड़ी हुई है और दो कलियां अलग हैं। तो पहले इसमें से एक पीस लेते हैं, एक पीस खरी का ले लेते हैं, इन दोनों को मिलाना है। देख लेते हैं, राइट राइट साइड बीच में रहेगी और रॉन्ग साइड बाहर रहेगी। यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। पक्का करके ही जब हम कोई भी सिलाई स्टार्ट करते हैं तो उसे पक्का करके ही चलते हैं और लास्ट में भी पक्का करके ही खत्म करते हैं। यह सिलाई किनारे के ऊपर नहीं जानी चाहिए, किनारे के साइड साइड चलनी चाहिए, तभी फिनिशिंग आती है। पूरी सिलाई लगाकर दिखा देती हूँ मैं आपको। पक्का कर देंगे आप। देखिए, एक कली जुड़ चुकी है, दूसरी कली को भी इसी प्रकार जोड़ लेते हैं। कली और पार्ट को जोड़ना स्टार्ट ऊपर से करते हैं, नीचे से नहीं करते हैं, क्योंकि सिलाई लगाते हुए जब हम नीचे आते हैं, अगर यहाँ पर कपड़ा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाती है कली और पार्ट, तो हम आसानी से कटिंग कर सकते हैं। देखिए, जैसे इस प्रकार ऊपर नीचे हो जाता है, तो हम इसे आसानी से कटिंग कर एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से पक्का कर ही चलेंगे। सिलाइयाँ लग चुकी हैं। पहले एक पीस को इस प्रकार रखेंगे, इसके ऊपर अब दूसरे पीस को इसके ऊपर रखेंगे, लेकिन ध्यान यह रखना है कि सीधा सीधा बीच में रहेगा। देखिए, यह सीधा है, इधर उल्टा है, तो इस प्रकार। अब एक सिलाई यहाँ पर लगाएंगे, इधर की सीट पर लगाएंगे, और एक सिलाई यहाँ पर सीट पर लगेगी, और फिर उसके बाद बीच में से कपड़े को खोलकर इस प्रकार अंडरग्राउंड कर देंगे इसको, या फिर आप डबल सिलाई लगाकर इंटरलॉक करा सकते हैं। यह है दूसरी सीट है, दूसरी सीट पर भी इसी प्रकार सिलाई लगा देंगे। आप इसका घेर देख सकते हैं सिलाई लगने के बाद कितना ज़्यादा बैठ रहा है। यह ठीक से 2.25 मीटर भी कपड़ा नहीं था पूरा। सीट की एक सिलाई लगा दी है, दूसरी सिलाई भी लगाकर दिखाती हूँ। देखिए, इस प्रकार बीच में से खोलकर यहाँ से इस प्रकार फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है। सलवार में यह सिलाई लगाने के बाद सलवार कंफर्टेबल और मजबूत हो जाती है। बेल्ट तैयार कर ली है मैंने। अगर आपको इस सलवार की बेल्ट तैयार करने की वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। यह बेल्ट का अगला हिस्सा है, यह बेल्ट का बैक साइड का हिस्सा है। यहाँ पर कट लगा देते हैं। निशान लगा देते हैं यहाँ पर। दो कलियों वाली सलवार को अटैच करने में इस जगह पर ध्यान रखना पड़ता है। देखिए, जैसे यह सलवार है, इस तरह फैला लीजिए, तो इस साइड हमारी कली नहीं जुड़ी हुई है, कली इस साइड जुड़ी हुई है। यहाँ पर निशान लगा ले, इस साइड भी। बेल्ट का यह हिस्सा पकड़कर यहाँ से रखकर जोड़ना स्टार्ट करना है। बैक साइड में पहले प्लेट्स लगा देते हैं ऐसे, इसके ऊपर बीच में यहाँ पर रखते हैं, यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। इससे यह फायदा होगा
कि जिस जैसे हम यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करते हैं तो यह जो जुड़ी हुई यह सिलाई है यह बाहर सिलवार के बाहर की तरफ नजर आती है और इस साइड कली नहीं है, यह अंदर प्लेट्स में आ जाएगी तो पता भी नहीं चलेगा कि यह दो कलियों वाली सलवार है। इस तरह की सलवार कटिंग करने से एक फायदा यह भी होता है कि हमें इंटरलॉक नहीं करानी पड़ती। देखें दोनों साइड किनारी है, इस तरफ भी और दूसरी साइड भी, तो इस सलवार को इंटरलॉक कराने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। अगर चार कली की सलवार कटिंग करते हैं तो बेल्ट के साथ हम किसी भी तरफ से अटैच कर सकते हैं, चाहे आप इधर से स्टार्ट कर लें या फिर इधर से स्टार्ट कर लें, लेकिन इस तरह की सलवार में यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बेल्ट में प्लेट्स भरने के बाद और मोरी बनाने के बाद हमारी सलवार कंप्लीट हो जाएगी। अगर मैं यह सब करके दिखाऊंगी तो वीडियो लंबी हो जाएगी। अगर आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।